नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा, गिरिडीह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का हुआ गिरिडीह में आगमन। आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में हुए शामिल नेताओं कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित दिए कई तरह के टिप्स। एक शिक्षक को अन्य विद्यालय में प्रतिनियोजन करने के खिलाफ कांडी के बड़कीटार मोड़ के पास छात्र छात्राओं ने मेन रोड को किया जाम। कुछ देर के लिए आवागमन हुआ ठप, प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के सकारात्मक आश्वासन पर हटा जा। उत्सव ओपन रिजॉर्ट में शुरू हुआ जासी कोम ऑफ सर्जन झारखंड चैप्टर का 28वां 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस। देश के नामी सर्जनों के साथ साथ राज्य भर के डॉक्टरों का हुआ है जुटा। बगैर सर्जरी के गंभीर बीमारी का इलाज करने पर किया जा रहा है फोकस। हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर से गिरिडीह के जमुआ से होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसी दिन होगा भव्य रोड शो और जनसभा। भाजपा कार्यालय से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दी जानकारी। और दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर 3 की ओर से आयोजित 5 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का हुआ समापन। 9 सितंबर को हुई थी इसकी शुरुआत। झारखंड के साथ बिहार के कई जिलों के स्कूलों के बच्चों ने लिया था हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का आगमन शुक्रवार को गिरिडीह में हुआ। होटल संगम गार्डन में संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड के लगभग सभी जिलों का दौरा हो चुका है। इस क्रम में हर जिले में पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों की पूरी कोशिश है। कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा कि हर जिले में लोगों की क्या समस्या है उसकी सुनी जा रही है और इसके निदान को लेकर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। कहा कि हम सभी कांग्रेस के पार्टी एकजुट होकर संगठन के हित में काम करेंगे। मौके पर इन्होंने चुनाव से संबंधित और कई तरह के टिप्स नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, सतीश केटिया, अजय सिन्हा मंटू, नरेश वर्मा, अमित सिन्हा, सभी प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष आदि नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस में ये दायित्व मिला, मैं लगातार संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गढ़वा, गांधीगंज, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और आज के प्रथम मेला में संगठन के हित में काम करेंगे। जब हमारा संवाद है, संवाद किन के साथ, हम लोग पीछे बैठ करके तमाम कांग्रेसजनों के साथ हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के मंच मोर्चा के लोग हैं, उनको क्षेत्र में क्या कठिनाई होती है उसको जानने और उससे अवगत होने का हम लोग प्रयास करते हैं।
क्योंकि निश्चित रूप से यह मंच जिला कांग्रेस कमेटी का है, इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का, मंच मोर्चा का और प्रखंड के लोगों का यह हक बनता है। आज ऐसे लोगों को प्रभारी बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश के अंदर भेजने का काम किया है, जिन लोगों ने आदिवासी और मूलवासियों में सजा से अपमान किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो असम का मुख्यमंत्री है और आते ही यहाँ विश्व बन करके लोगों में विभेद पैदा करके यहाँ आग लगाने की चेष्टा कर रहा है। हमारी लड़ाई ऐसे है, उसने अपने राज्य के अंदर जो जनजाति समाज के लोग हैं उसको कभी सम्मान और मान देने का काम नहीं किया। आज तक हमारे जो आदिवासी भाई है वो वहाँ टीका लेबरर के रूप में चिन्हित है और वह यहाँ आकर के आदिवासियों के हक और हुकूम की बात करता है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान व्यापक घोटाले से है और जिसके मुख्यमंत्री तो काल में उसी जनजाति समाज के भाई के सर माथे पर पेशाब करवाने का काम किया, प्रभारी बना करके भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम किया है। वो डर गए है कि ये गठबंधन की सरकार ये जिससे आने वाले कई वर्षों तक एक शिक्षक के प्रति नियोजन के विरोध में छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को गांडे के बड़कीटान मोड़ के पास सड़क जाम किया। बताया गया कि गांडे अंचल के उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची के अंग्रेजी शिक्षक सिद्धार्थ चक्रवर्ती के विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में प्रति नियोजन करने पर उनके विद्यालय से प्रति नियोजन नहीं करने की मांग को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़कीटान मोड़ के पास गिरिडीह टुंडी मेन रोड को घंटों जाम कर दिया, जिससे वाहनों के आवागमन घंटों अवरुद्ध रहा। बताया गया कि बच्चे पहले स्कूल परिसर में जमा हुए और अपनी आवाज बुलंद किया, साथ में विद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे विद्यालय के सभी शिक्षक विद्यालय के इर्द गिर्द भटकने लगे। बताया गया कि इसके बाद सभी छात्र छात्राएं बड़कीटान मोड़ के पास पहुंचे और गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इधर मामले की सूचना पर ताराटांड पुलिस मौके पर पहुंच बच्चों को समझाने में जुटी हुई थी। वहीं मामले की सूचना पाकर गांधी बीडीओ निशा तंजुम व शिक्षा विभाग के बीपीओ श्रद्धा कुमारी मौके पर पहुंची और सकारात्मक कार्रवाई करने संबंधित आश्वासन देकर बच्चों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। वहीं इसके बाद मामले को ले निरीक्षण करने को लेकर विद्यालय पहुंची, जहां विद्यालय का मेन गेट बंद पाया। इस दौरान बच्चों से बातचीत में पाया कि बच्चे ही सबसे पहले विद्यालय आकर विद्यालय का ताला खोलकर विद्यालय खोलते हैं। इस पर वीडियो शिक्षकों पर भड़क गए और बच्चों से काम करवाने पर शिक्षकों को फटकार भी लगाई। इस दौरान करीब 10 मिनट के बाद विद्यालय का ताला खोला गया। बाद में वीडियो व बीपीओ के आश्वासन के बाद जाम हटा। और अगर 3 महीना नहीं रहते तो हम लोग का रिजल्ट खराब होगा, और वहाँ पे जा रहे वहाँ पे जरूरत है, तो यहाँ पे क्यों नहीं टीचर को रखा जा रहा है? क्या नाम होगा बेटा आपका? कविता कुमारी। किस क्लास में? क्लास 10th। कौन से टीचर का तबादला किया गया? इंग्लिश टीचर का। क्या नाम है उनका? श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती। कौन सा स्कूल का मामला? उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची। देखिए सर, हमारे स्कूल में एक इंग्लिश टीचर थे, वो भी सिद्धार्थ चक्रवर्ती, जो कि एनिमेशन के साथ हर चीज को बताते थे। उसके जो पढ़ाया जाता था वो हमको समझ में आता था, सभी विद्यार्थियों को समझ में आता था, लेकिन उस तरह और शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं जिस तरह से वो पढ़ाते थे एनिमेशन के साथ। अगर किसी चीज का बात आए तो उसी चीज को खड़ा करके दिखाते थे, कुर्सी की बात आए कुर्सी को उठा करके दिखाते थे, यही है देखिए, तो उसी तरह हम लोग को समझ में आता था। लेकिन सरकार को ये भी नजर में नहीं आता है कि हमारे स्कूल में बायोलॉजी का टीचर नहीं, साइंस का टीचर नहीं है, पूरा साइंस का टीचर भेजे, लेकिन यहाँ से इंग्लिश का टीचर एक है उसको ले जा रहे हैं। थैंक यू। हमारे विद्यालय का नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची है। हम लोग अपने शिक्षक सिद्धार्थ सर को वापस लाना चाहते हैं। हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरी इंग्लिश टीचर के हैं, और इंग्लिश टीचर ही चले जाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 3 महीना बहुत होता है हम लोग स्टूडेंट के लिए, तो वो कमाएंगे, हम लोग को टीचर वापस दिया जाए। टीचर गए हैं तो अभी तक नहीं आए हैं एक भी टीचर, और इंग्लिश टीचर भी चले गए हैं तो 3 महीना में आएंगे ये उम्मीद नहीं है हम लोग को। उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची की घटना है, इसमें से हमारे 1-10 तक यहाँ क्लास चलती है, और हमारे यहाँ मात्र एक ही अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं, और उनका भी बीते
चार पांच दिन पहले लेटर निकल गया कि यहाँ से उनका डिप्टेशन हो गया है दूसरे स्कूल में, और ये खबर जब स्कूल में पहुंचे तो सभी बच्चे उत्साहित है, काफी उत्साहित, बड़े निराशाजनक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे रोड से लेकर के सदन तक पहुंचने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं वो शिक्षक बच्चे के नजर में लोकप्रिय थे, अच्छे पढ़ाते थे, सबको समझ में आता था, इसलिए बच्चों का एक ही चीज डिमांड है कि किसी भी तरह से इंग्लिश शिक्षक जिनका नाम सिद्धार्थ चक्रवर्ती है, इनका पर्ची में पुनः से स्थानांतरण किया जाए। डंडी रोड के उत्सव ओपन रिजॉर्ट में देश के नामी गिरामी सर्जनों का जुटा शुक्रवार को 3 दिन के कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ। यहां झांसी कॉम ऑफ सर्जन झारखंड चैप्टर का 28वां 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत गणेश वंदना के साथ किया गया, लेकिन कॉन्फ्रेंस में देश के कई नामी मेडिकल कॉलेज के टॉप सर्जन के साथ जूनियर प्रशिक्षु सर्जन शामिल हुए हैं। झांसी कॉम झारखंड चैप्टर गिरिडीह ब्रांच के डॉक्टर उत्तम जालान, डॉक्टर एस के दुकानिया, सरिया के डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर नीरज दुकानिया के नेतृत्व में हो रहे इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश भोपाल के लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर संजय जैन, कोलकाता से संजय मंडल, हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर सजीव खुलेब, दिल्ली के मैक्स अस्पताल से यूरोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर पवन केशव रवानी, जयपुर से कैंसर सर्जन डॉक्टर भंवरलाल यादव और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉक्टर सुमेधा, डॉक्टर नम्रता और हजारीबाग से डॉक्टर सतवीर सिंह सलूजा समेत इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में 300 से अधिक सर्जन हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पहले ही दिन अलग अलग मेडिकल कॉलेज से आए ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ने अपने अपने प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के जरिए दिया। वहीं उत्सव उपवन रिजॉर्ट के दूसरे कॉन्फ्रेंस हॉल में जूनियर डॉक्टरों को नई तकनीक से सर्जरी की जानकारी दी जा रही थी। इधर भोपाल से आए डॉक्टर संजय जैन ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में माना कि अब भी झारखंड के कई हिस्सों में लोगों में जागरूकता का इतना अभाव है कि वो बीमारी के अंतिम स्टेज में पहुंचने के बाद अपना इलाज शुरू कराते हैं, जबकि नई तकनीक पर रिसर्च किया जा रहा है। लोगों को नई तकनीक से सुविधा और बेहतर इलाज कैसे मिले और इसी दिशा में प्रयास चल रहा है। कहा कि बगैर सर्जरी के नई तकनीक से हर गंभीर बीमारी का इलाज कैसे हो, इस पर खास फोकस किया जा रहा है। सर्जन्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर के द्वारा आज यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को गिरिडीह में इसका मौका मिला है। इसमें जो भी नए नए इन्वेंशन होते हैं सर्जरी में, ट्रीटमेंट का जो भी ऑप्शन होता है उसको डिस्कस किया जाता है और अपनी जानकारी इससे बढ़ाई जाती है, और इससे यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स हैं, अस्पताल है, नर्सिंग होम्स है, जो भी जो हम लोग के यहाँ पर डॉक्टर्स विजिट करें वो लोग इंडिया से हैं, उन लोग अपना अपना सब एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करें और इससे हम लोग को यहाँ पर थैंक्स। एक बार सर जी, प्रत्येक वर्ष ये कॉन्फ्रेंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है, लेकिन इस बार हमारे गिरिडीह का सौभाग्य है, इस बार गिरिडीह में रखा गया है, जहाँ सिर्फ हमारे स्टेट से ही डॉक्टर्स और सर्जन्स नहीं आए हैं, बल्कि अलग अलग पूरे इंडिया से सर्जन्स लोग आ रहे हैं। कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ भोपाल से आए हैं, और अपने अपने नई नई जो उन्होंने तरीके से सर्जरी कर रहे हैं उस सर्जरी को यहाँ दिखा रहे हैं और हमें उनका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और पीजी स्टूडेंट जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में रहे हैं वो भी अपने यहाँ पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उन्हें भी सीखने को यहाँ मौका मिल रहा है। ESI की तरफ से गिरिडीह ज़िला में जैसीकॉन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे सर्जन पूरा ऑल इंडिया से आए हुए हैं और अपने ज्ञान को बांट रहे हैं और हम लोग काफ़ी सीख रहे हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर से गिरिडीह से शुरू होगा। शुक्रवार को हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई है। गिरिडीह भाजपा के जिला कार्यालय में हुए बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद सह बिहार के प्रभारी दीपक प्रकाश ने इसको लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि हेमंत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता का पूरा समर्थन
इस बार एनडीए को मिलने जा रहा है। बस भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता के बीच प्रयास करना है। दीपक प्रकाश ने कहा कि 22 सितंबर से शुरू होने वाले इस यात्रा के पहले दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भव्य रोड शो और जनसभा जमुआ में होना है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होगी, जबकि 23 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कार्यक्रम होना है। स्मृति ईरानी गांडे में भी लोगों से रूबरू होगी। दीपक प्रकाश ने कहा कि 24 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का धनवार में जनसभा के साथ रोड शो होना है। ऐसे में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार रहे। इस दौरान बैठक में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, गांडे भाजपा नेता दिलीप वर्मा, सुरेश साहू, दिनेश यादव, विनय सिंह, धनवार भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, रंजन सिन्हा, संदीप टंगज, महिला मोर्चा की विनीता कुमारी, शालिनी वैसखिया, उषा कुमारी समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में 6 यात्राएं निकलेंगी और यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले विधानसभा के चुनाव में केवल सत्ता का ही परिवर्तन नहीं करेगी, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का संवाहक बनेगा। और इस दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला एक महत्वपूर्ण जिला, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से, और उस स्थल जहाँ पर हम सब लोग श्रद्धा के लोगों की श्रद्धा है, जहाँ पर भगवान शंकर के चरणों से अर्थात झारखंड और गांडे में भी सभा रखने का कार्यक्रम तय हुआ। इसके अलावा 9 स्थानों पर रोड शो होगा और रोड शो में भी एक पूरी जनता उमड़ करके इस रथ का अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। इसके अलावा केंद्र के कई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रदेश स्तरीय नेता, और इस जिले के लिए तो और खास बात है, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विधायक श्रीमान बाबूलाल मरांडी भी इस पूरे कार्यक्रम में रहने वाले हैं। साथ साथ अन्नपूर्णा देवी जी, जो भारत सरकार की मंत्री है, वो भी यहाँ के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे माननीय पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माननीय दीपक प्रकाश जी का आगमन हुआ था। उनके आगमन का मुख्यतः ये उद्देश्य था कि पार्टी ने तय किया है कि इस सरकार को बदलना है, परिवर्तन यात्रा निकालनी है। 21 तारीख से ये परिवर्तन यात्रा शुरू होगी हरिहरधाम से, और वहाँ से चल करके जमुआ होते हुए गिरिडीह में प्रवेश करेगी 22 तारीख को। 22 तारीख को रोड शो होगा और फिर 23 सुबह यहाँ पे भव्य चुनावी सभा होगी, जिसमें परिवर्तन का संक्रांत किया जाएगा। गिरिडीह की जनता से अपील है कि वैसे उस सभा में सब लोग पधारने का काम करें और इस सरकार को चूल हिलाने का काम करें, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। इस उद्देश्य से सारी तैयारियों को लेकर के ये बैठक की गई थी। मैं गिरिडीह की जनता से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में साथ देने का काम करें। धन्यवाद। टंडी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर 3 की ओर से आयोजित खो खो प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हो गया। 5 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी। समापन के दिन अतिथियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले अलग अलग स्कूलों के बच्चों को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर विद्यालय के चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा, डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा, मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन गुणवंत सिंह मोगिया, सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा, डीपीएस के ट्रस्टी चरणजीत सिंह सलूजा, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, एसएसवीएम के प्रिंसिपल आनंद कमल, श्री गुरु नानक स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह, किरण पब्लिक स्कूल के राजीव टंडन, सीबीएसई के पर्यवेक्षक राजेंद्र प्रसाद सिन्हा आदि उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा, सिंहभूम, गुमला, बिहार से, गया, अररिया जिला के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था। और इस 5 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता के दौरान
बेहतर प्रदर्शन किया। इस मौके पर अतिथियों ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए जीवन में और मेहनत कर आगे बढ़ने की सीख दी, साथ ही सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राजकुमार राज ने कहा कि डीपीएस स्कूल ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को समस्त विद्यालय परिवार ने सफलता पूर्वक निभाया है, जो बधाई के पात्र है। बरगंडा रोड के शिवम क्लिनिक के सामने रामा कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को जावेद हबीब सैलून का उद्घाटन जावेद हबीब व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काट कर किया। मौके पर अधिवक्ता प्रकाश सहाय, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली, SDPO विनोद रवानी, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर शशिभूषण चौधरी, डॉक्टर समीर राज चौधरी, विनय सिंह आदि मौजूद रहे। संस्थान के संचालक डॉक्टर राहुल कुमार और विनीत भूषण कांडवे ने कहा कि गिरिडीह में एक बहुत अच्छे ब्रांड को लाने का काम किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, ग्लोबल हाइलाइटर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर एवं अन्य सभी प्रकार के मेकअप करने की व्यवस्था है। बताया कि महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग पाथ में सैलून। इस सैलून की सबसे बड़ी खासियत में बताया गया कि यहां जो भी स्टाफ है वह प्रोफेशनल, ट्रेंड, स्किल्ड और सर्टिफाइड है। संचालक ने बताया कि गिरिडीह के लोगों को अब बड़े शहर और गिरिडीह से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भी जानकारी दी गई कि अभी एक महीने तक 30% की छूट सभी प्रकार के मेकअप और हेयर कटिंग पर दी जाएगी। गिरिडीह के अंदर और मैंने अपनी सैलून का इनॉग्रेशन किया है और मैं मानता हूं कि हर सिटी का, हर तालुका का जो इंसान होता है उसको अच्छा दिखना जरूरी है। जावेद हबीब जो ब्रांड है ना, वो एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है। हमारी कम से कम 1000 शॉप चलती हैं और हमारी 80 स्कूल चलते हैं जहां हम लोगों को बाल काटने का एक सिस्टम सिखाते हैं। जो लोग बोलते हैं नाई का काम है, मैं कहा ये नाई का काम है, लेकिन अगर इसमें जो स्किल वाले लोग हैं सारे हमारे स्कूल से आए। तो जितना भी जावेद अभी इतना सालों चलता है उसके अंदर लोग काम जो करते हैं उनका स्किलिंग क्या होता है, हमारी अकेडमी के अंदर होता है। और हमारी ब्रांड के अंदर कम से कम 20,000 लोग काम करते हैं। आप सोचिए कि एक नाई ने 20,000 लोगों को जॉब क्रिएट किया हुआ है और शायद इतना एम्प्लॉयमेंट किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया और किसी फिल्म स्टार ने नहीं किया। और किसने किया है? जावेद हबीब, ओनली नाई ऑफ दिस कंट्री। गिरिडीह में हम लोगों ने जावेद हबीब ब्रांड लॉन्च किया है, इसका यहाँ से बहुत प्रभाव था। यहाँ पे पहले कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं थी जो बहुत अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे कोई भी हेयर सर्विसेज या ब्यूटी सर्विसेज आपको दे। बट हम लोगों ने कोशिश किया है कि गिरिडीह में जितना हो सके उतना अच्छा गिरिडीह वालों को सर्विसेज दें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिनके लिए आपको धनबाद या बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब वो सारी सुविधाएं आपको अच्छी क्वालिटी के हम लोग गिरिडीह में ही आपको देंगे। और आज जावेद सर, हबीब सर खुद आके इस चीज़ को इनोग्रेट किए हैं और आज जावेद सर कटिंग भी कर रहे हैं बहुत लोगों का। और मौका दें हमें कि ताकि हम लोग आपको अच्छे से सर्विस दे सकें। सर्विस क्या क्या होगा यहाँ? ब्यूटिशियन का सारा सर्विस, यहाँ सैलून में हाइड्राफेशियल, फेशियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और हेयर से रिलेटेड जैसे हाइलाइटिंग हो गया, केराटिन हो गया, स्मूथनिंग, नैनोप्लास्टी हो गया, बोटोक्स हो गया, जितने भी होते हैं ट्रीटमेंट सारे होंगे। नेल एक्सटेंशन भी है, नेल आर्ट भी है और पेडिक्योर मैनीक्योर सारे फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी में शुक्रवार को गौरव ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर का शुभारंभ पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने फीता काट कर किया। मौके पर भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, संचालक गौरव कुमार, राजेश विश्वकर्मा, विकास सिन्हा, राजेश सिन्हा, माधविका, सौम्या, सौर्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और विनीता कुमारी ने संचालक गौरव कुमार को ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के शुभारंभ पर बधाई देते हुए सर्विस सेंटर खूब तरक्की करे ऐसी कामना की। गौरव कुमार ने संबंध में बताया कि 500 सीसी तक के बाइक का मात्र 99 रुपए चार्ज पर सर्विसिंग की जाएगी। वहीं होलसेल दाम में सभी कंपनी के बाइक का पार्ट्स
मोबिल और अन्य सामान मौजूद रहेगा। बताया गया कि अनुभवी मैकेनिक के द्वारा बाइक का सर्विसिंग किया जाएगा ताकि लोग अपने सफर को और बेहतर बना सके। इन्होंने शहर और जिले वासियों से सर्विस सेंटर पहुंचकर एक बार सेवा का मौका देने की अपील की है। देखिए, गौरव ऑटोमोबाइल ने आज सीओडी में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर का शोरूम का मौका दिया है गिरिडीह की जनता को, और मैं इनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने ये अवसर मुझे देने का काम किया है। गौरव जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई। और चल रही है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आकर के वो अपना टोटो का सर्विसिंग आराम से करा सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे हैं, देखिए पीछे शोरूम जो इनका है, देख के लग रहा है इनके साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, और ख़ास करके पार्ट्स के जो हम देख रहे हैं, जो वो काफ़ी मैंने अचंभित करने वाला है कि गिरिडीह के जैसे जगह में और सीओडी में ये इन्होंने अपना प्रतिष्ठान को शुरुआत किया है। मैं पुनः इनको बधाई और शुभकामनाएं। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। गौरव ऑटोमोबाइल्स के उद्घाटन में सबसे पहले मैं तो गौरव जी को और मेरी स्टूडेंट रही गिरिडीह कॉलेज बीएड की मधुलिका, मैं दोनों को बहुत सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। और प्रभु श्री राम से मैं ये प्रार्थना भी करती हूँ कि लगातार इनका जो काम है, बिजनेस है, व्यवसाय है, वो दिन दुनी रात चौबनी फले फूले। और दूसरी बात है कि इनके यहाँ बहुत अच्छा इस गौरव ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा ऑफर भी लेके आए हुए हैं, ये डिटेल से आपको इसकी जानकारी देंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जितने यहाँ पे मेंबर्स हैं, और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सभी जहाँ तक आप हमारी सुन रहे हैं या जहाँ तक मैसेज पहुँच रहा है, कि एक बार आप गौरव ऑटोमोबाइल में जरूर आए। और ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई है, और आप सभी मीडिया भाइयों को मेरा बहुत बहुत। गौरव ऑटोमोबाइल्स के नाम से ये मेरा सेंटर खुला है, सर्विस सेंटर, टू व्हीलर सर्विस सेंटर। इसमें मेरा 99 रुपये में 99 cc से देखिए 500 cc तक का सारा सर्विस 100 रुपये में 99 रुपये में उपलब्ध होता है। और इसके अलावा पार्ट्स का होलसेल है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई होता है, उसमें भी 30% डिस्काउंट के साथ, और दुकानदार भाई को इसके इसका बेनिफिट सारा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मेट्रो सिटी में जब जाते थे तो जो सुविधा देखते थे मेट्रो सिटी में, वो सुविधा आज हमारे शहर में, इतने छोटे शहर में भी मेट्रो सिटी का सुविधा सारा कुछ यहाँ पे है। पिक एंड ड्रॉप सिटी में से अगर आपकी गाड़ी खराब हो गया तो नया स्टाफ जाके ला के बना के आपका वॉशिंग भी है, आपका वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं लाने में, हर एक चीज़ का सुविधा, कितनी भी मल्टी सुविधा है सारा सुविधा आपको मिलेगा। ये चीज़ गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि हम लोग इस चीज़ को बड़े शहर की तरह के लिहाज आए हैं। और सब लोग का बस मेरे से सही है कि हम लोग उस चीज़ को बरकरार रखें, और सीहोरी का कल्चर खास मिला हम लोग इसलिए इस सेक्टर में, हम लोग इस मोहल्ले में तो ऑलरेडी 2-3 सेंटर खोल चुके हैं। मेरा साथी का शोरूम भी यहाँ पे है, बाकी का दोस्ती भी है, दूसरी काम है, ये मेरा चौथा काम है। अगर कोई सीहोरी में थोड़ा सा और अच्छा हो और या डेवलप हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का हुआ गिरिडीह में आगमन। आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में हुए शामिल नेताओं कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित दिए कई तरह के टिप्स। एक शिक्षक को अन्य विद्यालय में प्रतिनियोजन करने के खिलाफ कांडे के बड़कीटार मोड़ के पास छात्र छात्राओं ने मेन रोड को किया जाम। कुछ देर के लिए आवागमन हुआ ठप, प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के सकारात्मक आश्वासन पर हटा जा। उत्सवों पर रिजॉर्ट में शुरू हुआ जासी कोम ऑफ सर्जन झारखंड चैप्टर का 28वां 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस। देश के नामी सर्जनों के साथ साथ राज्य भर के डॉक्टरों का हुआ है जुटा। बगैर सर्जरी के गंभीर बीमारी का इलाज करने पर किया जा रहा है फोकस। हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर से गिरिडीह के जमुआ से होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसी दिन होगा भव्य रोड शो और जनसभा।
भाजपा कार्यालय से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दी जानकारी। और दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर 3 की ओर से आयोजित 5 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का हुआ समापन। 9 सितंबर को हुई थी इसकी शुरुआत। झारखंड के साथ बिहार के कई जिलों के स्कूलों के बच्चों ने लिया था हिस्सा। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।